ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो आज के दौर में जहां पर आप सब जानते हैं कि सीट्स को लेके बड़ी परेशानी हो रही है, बच्चों को सीट्स अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो इसके बीच में एक बच्चों का डाउट है कि अगर वो प्राइवेट कॉलेजेस में अपनी फाइल लगाते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको पाथवे देते हैं, मतलब आप एक साल वहां पढ़ोगे, उसके बाद आप गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, उसके रिलेटेड आपको जो पाथ है वो मिल जाएगा। तो उसमें सक्सेस रेट क्या रहेगा, कितना रहेगा, प्रोबेबिलिटी क्या है, और उससे आपके चांसेस ऑफ वीजा क्या है, मतलब आज की डेट में ऐसे केसेस के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं दोस्तों कि जब बात आती है प्राइवेट कॉलेजेस की, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये मैटर करेगी कि आपका KSSDS है या नहीं है, मतलब योर परसेंटेज, स्पेशली योर आल्स और पीटी का स्कोर और आपके फाइनेंसिस। तो अगर तो केस आपका SDS है और प्राइवेट कॉलेज में भी फाइल गई है, तो भी आप 80% तक सक्सेस रेट आराम से उम्मीद कर सकते हो कि सक्सेस रेट बहुत हाई रहेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में फाइल लगा रहे हो बट फाइल भी नॉन SDS है, तो आपके लिए वो एक चिंता का विषय भी बन सकता है। ऐसे केसेस के अंदर जो SDS सक्सेस रेट है नॉन SDS का, वो काफ़ी कम रह जाता है, अराउंड आज की रेट में 20-30% है। तो मतलब अगर SDS केस को प्राइवेट में लगाते हो तो प्रोबेबिलिटी इज मच मच बेटर, बट अगर नॉन SDS केस को प्राइवेट में लगाते हो तो प्रोबेबिलिटी इज लो। और प्राइवेट कॉलेजेस के जरिए भी रास्ता होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी अपने केस को SDS नहीं बना पाते, वो अपना रिक्वायर्ड स्कोर नहीं ले पाते, तो वो ऐसे कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं और वो कर भी सकते हैं। उसमें जुआ खेलने में कुछ जाता नहीं है, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, बट उसमें भी अगर 10 बच्चे फाइल लगा रहे हैं तो 3-4 बच्चे या 2-3 बच्चे अपना वीजा ले जाते हैं, तो वो ट्राई कर लेना कोई बुरा नहीं है अगर आपका चारों तरफ से स्कोर नहीं बन पा रहा। नहीं तो फिर अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन है आपके पास, UK के लिए, US के लिए, इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपको शेयर करता रहूंगा, बट एक चीज नोट कर लें कि आने वाले दिनों में हमारे सेमिनार्स हैं जिनकी आप डेट स्क्रीन पे देख रहे हो, तो टीम से कनेक्ट हो सकते हो। आज यानी कि संडे मैं अवेलेबल हूँ जम्मू ऑफिस में, तो जो जम्मू वाले दोस्त हैं वो मुझे आज जम्मू ऑफिस 2 बजे तक मिल सकते हैं, और उसके बाद कल रहूंगा अमृतसर ऑफिस, उसके बाद गुरदासपुर और फिर बटाला ऑफिस और फिर जलंधर और लुधियाना, सो ऑन, ऐसे आगे वाली सिटीज में टर्न बाय टर्न हम आते रहेंगे। सो आपके कोई भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं और ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज, चाहे गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज, चाहे यूनिवर्सिटी, एक बेनिफिट आपको मिल सकता है, सारे पैसे दे सकते हैं वीजा लगने के बाद। ब्रॉडवे तो असी शुरू कर रहे हैं एक वीज़ा ड्राइव जिदे विच मैं परसनली सारे ब्रॉडवे ऑफिसिज दे विच विजिट कर रहे हैं। 15 अक्टूबर तो जम्मू शहर तो शुरू होवांगे, फिर उस तो बाद अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, लिस्ट तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो, डेटा नोट कर सकते हो, शहर नोट कर सकते हो, एड्रैस टीम तो ले सकते हो, सो अपने स्टडी वीज़ा नू लैके तुसी कनैक्ट कर सकते हो और परसनली मेरे नाल मिल सकते हो। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नू देवेगा हकीकत दी उड़ान।